साल 1977 की वो सर्द रात थी। स्विट्जरलैंड के गांव क्रॉसियर सरवेवे में लोग रोज की तरह चैन से सो रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा चल रहा है जो अगली सुबह पूरी दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बनने वाला है। उस गांव के दो लोग कब्रिस्तान में घुसे जहां करीब 400 कब्रें थीं। वो लोग एक खास कब्र को ढूंढते हुए आगे बढ़े। आखिर में वो एक कब्र के सामने रुके जो वहां मौजूद सभी कब्रों में ज्यादा बड़ी और सजी हुई थी। उस पर लिखा था चार्ली चैपलिन। वो चार्ली चैपलिन की कब्र थी जिसमें से उनकी लाश गायब हो चुकी थी। चार्ली चैपलिन की पूरी जिंदगी लाइमलाइट में बीती, लेकिन यही लाइमलाइट उन पर इस तरह भारी पड़ी कि मरकर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। चार्ली चैपलिन की लाश मौत के 2 महीने बाद कब्र से गायब हो गई थी। पूरी दुनिया में इस बात पर हंगामा मच गया था। ये अपने आप में एक अनोखी घटना थी। किसी ने कहा कि फैंस उनकी बॉडी को ले गए हैं, तो कोई बोला नाजियों ने उनकी बॉडी चुरा ली है। हालांकि इन सब बातों में लोगों को नाजियों वाली बात ज्यादा सही लग रही थी, क्योंकि अपनी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में चार्ली ने नाजियों की नाराजगी मोल ले ली थी। लेकिन इन सब बातों के बीच चार्ली की पत्नी ऊना को एक फोन आया। उधर से एक शख्स ने कहा $6,00,000 दो और अपने पति की लाश ले जाओ। उधर से ऊना ने जवाब दिया, मेरे पति इस वक्त स्वर्ग में है और मेरे दिल में भी, मैं उनकी बॉडी के लिए 1 पैसा नहीं दूंगी। इस फोन की बात पता चलते ही पूरी पुलिस फोर्स चार्ली की बॉडी ढूंढने लग गई। दिन रात एक कर पुलिस ने आखिरकार अपराधियों को ढूंढ ही निकाला। कब्र चुराने वाले 2 लोगों में एक का नाम रोमन वारदास और दूसरे का नाम गेंचो गेनेवा था। दोनों मोटर मैकेनिक थे और उन्होंने पैसों के लिए ये काम किया था। उन दोनों ने चार्ली की बॉडी को क्रॉसियर से 1 मील दूर मक्के के खेत में दफना दिया था। बाद में परिवार ने चैपलिन की बॉडी को कंक्रीट कब्र में दफनाया ताकि फिर इस तरह का कोई काम ना कर पाए। वारदास घटना का मास्टरमाइंड था, इसलिए उसे 4.5 साल की बामशक्कत कैद हुई। गैनवे का रोल ज्यादा नहीं था, तो इसलिए उसे सिर्फ 18 महीने की सजा दी गई। ये ऐसी घटना थी जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। फिलहाल आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट में बताइए, और ज़्यादा ऐसी अनोखी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।